आज वहां पर आफत के बादल छाए रहेंगे। अगले 3 से 4 दिनों तक आफत की भारी बारिश की चेतावनी है उत्तराखंड में। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी, तो उत्तराखंड के लोगों के लिए चुनौतियां समाप्त नहीं होती दिख रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो फेस किया है, जो चुनौतियां उनके सामने आई हैं, जैसे मुसीबतें सामने आई हैं, वही फिर से जारी रह सकती है स्थिति। लैंडस्लाइड की भी चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। कई जिलों में बारिश का दौर पहले की तरह जारी रहेगा। पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, लगातार हम पिछले कुछ दिनों से अपडेट कर रहे हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए या कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में जहां जहां लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर भारी आफत आई है, लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी है। आज फिर वैसे ही अलर्ट है, तो आपको लगता है कि जिस तरह की तैयारी आपदा प्रबंधन विभाग की और जिला प्रशासन की होनी चाहिए, सरकारी क्षेत्रों की होनी चाहिए, वैसी है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से लगातार प्रदेश भर में बारिश हो रही है, लोगों को तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उसके बाद अगर हम आपदा प्रबंधन विभाग और जिलों की टीमों की बात करें तो वो तैयारियां नहीं होती हैं जो तैयारियां आपदा प्रबंधन विभाग और जिलों की टीमों की होनी चाहिए, क्योंकि बरसात की शुरुआत से लेकर और अब तक की हम बात करें तो हर जगह आपदा प्रबंधन विभाग को हर जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और ये चाहे हम लैंडस्लाइड की बात करें या हम जो रोड ब्लॉक हुई है उनकी बात करें या जहाँ पर जिन गाँव में आपदा आई है उन क्षेत्रों की बात करें, कई जगह ऐसी रही हैं जहां पर आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से उसमें सफल साबित नहीं हुआ है। SDRF की टीमें जो रही हैं उन्होंने थोड़ी सहायता लोगों की जरूर की है, लेकिन जिले की टीमें और आपदा प्रबंधन विभाग पहले से ही अलर्ट नहीं रहता है, इसलिए इस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। जुलाई से मानसून की शुरुआत हुई थी पूरी तरह से और अभी तक लगातार प्रदेश भर में सैकड़ों जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं आई हैं। कई जगह मलबा आने से लोगों को दिक्कतें हुई हैं, कई जगह बादल फटने की घटनाएं आई हैं, लेकिन वहां पर SDRF NDRF की टीमों की सतर्कता बनी रही, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग और जिलों की टीमों की बात करें तो वहाँ वो स्थिति नहीं रही है जो हर साल होनी चाहिए थी। ये बात हर समय होती है राजेंद्र, जब मौसम विभाग चेतावनी जारी करता है, अलर्ट जारी करता है, तो उस वक्त इस तरह की दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती हैं। 13 सितंबर तक का प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, खासकर पर्वतीय जिलों में, तो ये कहा जा सकता है कि अभी और दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ेंगी। और 15 सितंबर के बाद इस तरह की सूचनाएँ हैं कि मानसून के जाने का सिलसिला हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल कह सकते हैं आज पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, पर्वतीय जिलों में कई जगह बारिश भी हो रही है, तो अभी और दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ेंगी। लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि अभी आज के दिन लैंडस्लाइड की बड़ी घटना कोई सामने नहीं आई है। 2 दिन बाद पहले ही इस तरह की दिक्कतें आई थी जहां पर रोड ब्लॉक हुई थी, उनको खोल दिया गया है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिलों की टीमें 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी रोड को ब्लॉक नहीं रखेगा, उन्हें खोलना होगा। और आपदा प्रबंधन विभाग और जिलों की जिम्मेदारी होगी कि जो भी रोड ब्लॉक होती है वो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी उसमें। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ेंगी, लेकिन 15 से 20 सितंबर के बाद थोड़ी राहत लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी उत्तराखंड में।